तो आपने आजकल देखा होगा, बहुत लोग रेलवे की पटरी पर जाते हैं, पटरी में अपना मोबाइल और डीएसएलआर को रख देते हैं सिर्फ ट्रेन की डाउनसाइड की व्यू देखने के लिए। पर यह ट्रेंड कब से शुरू हुआ था? तो मैं बता दूं, जब से इंडियन रेलवे में बायोटैंक आई थी। क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अपना मोबाइल और डीएसएलआर को ट्रेन की पटरी के बीच में रख देता था, क्योंकि पहले ही ट्रेनों में बायोटैंक नहीं थी, जिस वजह से टट्टी का गोला डायरेक्ट मोबाइल और डीएसएलआर के ऊपर गिर जाता था। इससे नीचे रखे मोबाइल और डीएसएलआर टट्टी टट्टी हो जाती थी। अच्छा।